जब मैं चैनल लगाता था तो उस समय शक्तिपुत्र महाराज जी का प्रवचन आता था और रामपाल जी महाराज का प्रवचन आता था, तो ये जब हमारे देवी देवता के बारे में टिप्पणी करते थे तो हमको लगता था कि कैसे संत हैं जो हमारे देवी देवता का विरोध करते हैं। मैं चैनल बदल देता था, लेकिन एक दिन इंटरव्यू में देखा जी, सत साहेब भगत जी, मेरा नाम सुरेंद्र दास है, मैं बिहार राज्य खगड़िया जिला से बिलोंग करता हूँ। संत रामपाल जी महाराज से आप कैसे जुड़े हो? कैसे जुड़े, इसके पीछे एक बहुत लंबी कहानी है। मैं इससे पहले राम कृष्ण और दुर्गा हनुमान जी और विभिन्न देवी देवताओं की भक्ति किया करता था। मैंने गुरु भी बना रखे थे और उनसे मंत्र भी लिया था और उन मंत्र से हमको कोई लाभ नहीं मिला, और किसी टेंशन के वजह से मैंने 2 लीटर दारू पी करके 200 फीट गड्ढे में बाइक लेकर के गिर गया और मेरा ये पूरा टूट करके अलग हो गया। आप देख सकते हैं मेरा 1 इंची गैप अभी भी यहाँ पर मौजूद है, और मैं 4.5 महीना तक एज ए बेड पर ऐसे रहा हूँ, न तो सोया हूँ, न बैठा हूँ और न कुछ किया हूँ। और जब मैं चैनल लगाता था तो उस समय शक्तिपुत्र महाराज जी का प्रवचन आता था और रामपाल जी महाराज का प्रवचन आता था, तो ये जब हमारे देवी देवता के बारे में टिप्पणी करते थे तो हमको लगता था कि कैसे संत हैं जो हमारे देवी देवता का विरोध करते हैं। मैं चैनल बदल देता था, लेकिन एक दिन इंटरव्यू में देखा कि एक कैंसर से पीड़ित जो है सो भक्त बोल बता रहे थे कि मेरा कैंसर सही हो गया, तो हमने भी सोचा कि हे परमात्मा क्या मेरा ये भी ठीक हो सकता है। तो जो कि हाथ मेरा 1 इंच नहीं हिलता डोलता था, मैं सवेरे जो है सो नाम दान लेने के लिए किसी ड्राइवर को सरिया करके रखा था कि चलना मेरे साथ, वो ड्राइवर नहीं आया और बोला कि हे परमात्मा अब तो मेरे पास ड्राइवर भी नहीं है, मैं कैसे जाऊंगा। मेरा धीरे धीरे हाथ बाइक के हैंडल पर चला गया और मैं जब गया नामदान ले करके आया, मेरा 24 कैप्सूल मैं दिन रात में खाता था, 200, 250, 300 का रोज़ खाता था, और उस दिन से मेरा सारा 10,000, 12,000 का दवाई तो हम गंगा जी में प्रवाहित कर दिए, और उस दिन से आज दिन तक मैंने एक भी टेबलेट गोली नहीं खाया है। और मेरा ये दोनों एक्सरा तो मैंने लाया नहीं, लेकिन मेरा जो है सो कबीर परमात्मा की कृपा से संत रामपाल जी महाराज की दया से ऐसा वेल्डिंग कर दिया कि मैं इस पर 50 किलो का वेट लेकर के भी आज चलता हूँ। ये आप कब की बात बता रहे हो? ये 2016 की बात है। अच्छा, यानी कि बरवाला कांड के बाद में आप संत रामपाल जी महाराज? जी महाराज, जी जी सर जी, बरवाला कांड के बाद हम नाम दीक्षा लिए हैं। फिर आपको अब कंप्लीट हो गया, सही हो गया? जो बिल्कुल सही हो गया, आप देख सकते हैं, और ये हाथ यहाँ से यहाँ नहीं होता था। और आपको ऐसा क्या लगा जो अन्य संतों में और संत रामपाल जी महाराज में? और मुझे बचपन से ही कोराटी था, जिसमें कि मैंने ऑपरेशन कराकर 60,000 से 70,000 रुपया खर्च किया, और मुझे चप्पल पहन के भी मैं एक डेग नहीं चल पाता था, और नाम दीक्षा लेने के बाद बिना दवाई के आज मैं जो है सो खाली पैर भी चल सकता हूँ। इसके लिए मैंने 7 बार देवघर जल चढ़ाया था कि हे भोला बा हम मेरा कोराटी का ठीक हो जाए, लेकिन वह भोला बा से तो नहीं छूटा, लेकिन हमारा जो है सो संत रामपाल जी महाराज की दया से वो कोराटी भी छूट गया। और ऐसे ऐसे कार्य परमात्मा हमसे करवाए हैं जो कि असंभव समाज में होता है, वैसे वैसे सब कार्य परमात्मा हमसे करवाए हैं। जैसा कि सुनने में आता है संत रामपाल जी महाराज की शरण में जो आता है वो नशे को भी हाथ नहीं लगाता। जी जी सर, मैं ऐसा गजेरी था कि 25 ग्राम गांजा 3 दिन के अंदर मैं पी जाता था, और जब मैं दारू पीता था तो मुझे लगता नहीं था कि मैं दारू पी रहा हूँ, पानी के तरह पीता था, 1 से 2 लीटर जब पी जाता था तो हमको नशा लगता था। और यही नहीं, और जब मैंने दारू पी तो बिना अंडा मुर्गा और मांस के खाया नहीं। जिस दिन से मैंने नाम दीक्षा ली उस दिन से दारू से इतना एलर्जी हो गया है कि कोई दारू पीता है तो मैं उस जगह खड़ा नहीं रह सकता हूँ, उसके बाद कोई गांजा पीता है तो उसका सुगंध बर्दाश्त नहीं हो पाता है। ट्रेन में आने के वक्त भी लड़का लोग बीड़ी सिगरेट पी रहा था तो बहुत डांटे कि भैया देखो हम इतना इतना पी करके जो है सो हम बहुत ही गहरे नशे में डूबे हुए थे, उससे मुक्ति हमको भगवान रामपाल जी महाराज की दया से मिली है। तो ये जो नशा आपने छोड़ा है, जो संत रामपाल जी महाराज कोई दवाई वगैरह देते हैं या फिर ऐसे? जी नहीं, उनके मंत्र में वो शक्ति है, ये मूल मंत्र ऐसा देते हैं कि मंत्र मात्र से ही ये नशा क्या है, सारे बीमारी ठीक हो जाते हैं और अनेकों लाभ मिले हैं जो कि परमात्मा की दया से ही मिल सकता है, ऐसे कोई लाभ नहीं मिल सकता है।
तो आप अब जैसे आपकी तरह और भी लोग नशा करते हैं और छोड़ना चाहते हैं, तो वो उनको मैं जितने भी नशा करने वाले हैं, मैं सारे लोगों से ये प्रार्थना करता हूं कि किसी के बस की बात नहीं कि जिसको लत लग जाए वो छोड़ नहीं सकते हैं। जब तक परमात्मा के शरण में नहीं आएंगे, आप परमात्मा के शरण में आओ, हमारे रामपाल दास जी महाराज के शरण में आओ और नाम दीक्षा लो, उनके मंत्र के प्रभाव से तुम्हारा सब नशा छूट जाएगा। धन्यवाद जी, हमसे बात जी सर।